100 सूर्य नमस्कार नेक्स्ट 21 दिन के लिए. ओ माय गॉड, दिस चैलेंज वाज रियली अमेजिंग. बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू गिव अ स्पेशल मेंशन टू बाबा रामदेव जी, जिनकी वजह से हमारे अंदर योगा का फायर जो है इग्नाइट हो पाया है, हम एक पैशन को बिल्ड कर पाए हैं योगा के लिए. स्पेशली मेरी लाइफ तो बहुत ही अच्छे से चेंज हो गई है. और उन्होंने ही सूर्य नमस्कार का जो बेनिफिट हमें बताए उनके बारे में, तो मुझे लगा क्यों ना, मुझे काफ़ी टाइम हो गया योगा करते हुए, सो 100 सूर्य नमस्कार का ये चैलेंज मुझे लेना चाहिए और देखती हूँ कि पर्सनली मेरी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं. तो वहीं से मैंने चैलेंज को पिक किया. और जैसा कि आप सब जानते हैं, मुझे फिटनेस रिलेटेड चैलेंजेस लेना कितना पसंद है, तो इस बार मैंने 100 सूर्य नमस्कार हर एक दिन फॉर नेक्स्ट 21 डेज के लिए ट्राई किया. तो चलिए अब इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं. सो मैंने सूर्य नमस्कार जब शुरू किए, मैं हार्डली 2 या 3 सेट्स ही इसके कर पाती थी. यानी कि एक सेट में 2 सूर्य नमस्कार होते हैं, तो मैं मैक्सिमम 6 सूर्य नमस्कार ही इन टोटैलिटी कर पाती थी, क्योंकि मेरी बॉडी को आदत नहीं थी उस चीज़ की. ग्रेजुअली मैंने भी अपना स्टेमिना, अपनी एनर्जी को बिल्ड किए और धीरे धीरे जो है मैं इसकी तरफ प्रोग्रेस करती रही, और करते करते मैं 60 सूर्य नमस्कार तक पहुँच गई. सो हाउ आई ब्रेक इट अप, सो फर्स्ट आई डिड 20 सूर्य नमस्कार्स इन अ रो, देन आई टुक अ ब्रेक ऑफ यू नो 2-3 मिनट्स, देन आई डिड 40 सूर्य नमस्कार इन अ रो, देन आई टुक ब्रेक ऑफ यू नो गुड 5 मिनट्स, एंड देन आई डिड 40 सूर्य नमस्कार्स इन अ रो. सो दैट्स हाउ आई कंप्लीटेड माय टारगेट ऑफ 100 सूर्य नमस्कार. सूर्य नमस्कार की रेगुलर प्रैक्टिस से आपकी बॉडी से और ज्यादा डीप कनेक्शन हो जाता है. मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगी कि प्लीज आप ये चैलेंज देखिए और आप जाइए मैट लीजिए और 100 सूर्य नमस्कार कीजिए. नो, आपको ऐसा नहीं करना है. कोई भी चीज के लिए प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होती है. मैंने भी जब सूर्य नमस्कार स्टार्ट किए, मैंने जैसा कि बताया मैं मैक्सिमम 6 या 8 सूर्य नमस्कार कर पाती थी. ग्रेजुअली स्टेमिना बिल्ड होने के बाद मैं 60 सूर्य नमस्कार पर पहुंची, और वहां से फिर मैंने अपनी रेस को और ज्यादा तेज किया. फिर मैं 80 एंड देन 100. देन आई रियलाइज कि अब मुझे 100 सूर्य नमस्कार का हर दिन चैलेंज लेना चाहिए और पर्सनली ये देखूं कि मेरी बॉडी में क्या क्या रिजल्ट्स आते हैं, क्या मेरा वेट लूज होता है. जैसे कि सब लोग बोलते हैं इससे वेट जो है बहुत अच्छे से लूज होता है, साथ ही साथ आप बहुत ही एनर्जाइज हो जाते हैं. तो मुझे पर्सनली ये सब कुछ देखना था एंड आप लोगों के साथ शेयर करना था. तो मैंने ये चैलेंज लिया, अपनाया, अब मैं आपके साथ इसके बेनिफिट्स जो है शेयर करती हूँ. तो फर्स्ट थिंग आप सबके माइंड में आ रहा होगा, क्या मैंने वेट को रिड्यूस किया? ऑफ कोर्स यस आई डिड गाइस. अगर आप 100 सूर्य नमस्कार करते हैं और या एक तरफ आप डाइट लेते हैं, मैं कहूँगी सूर्य नमस्कार करने से आपका वेट जो है वो बहुत ही जल्दी गिरेगा, उतना डाइट से नहीं गिरेगा. सीरियसली आई एम नॉट जोकिंग. तो मैंने जब सूर्य नमस्कार शुरुआत की, तो मैंने जो मेरा मैंने वेट चेक किया, इट वॉज 61.9 केजीज, अराउंड 62 केजीज था. और जब मैंने सूर्य नमस्कार एंड किया, I know you are very excited to know कि मेरा वेट कितना गिरा 21 दिन के अंदर. बताती हूँ वेट की. तो उससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप एक सूर्य नमस्कार करते हैं तो आप अप्रॉक्सीमेटली 13.9 कैलोरीज बर्न कर. सो अगर आप 10 साइकिल्स को रिपीट करते हैं तो आप अप्रॉक्सीमेटली 139 कैलोरीज को बर्न कर लेंगे. तो मैं 100 सूर्य नमस्कार करती थी अभी डे, सो नाउ यू कैन जस्ट चेक एंड रियलाइज कि मैं 50 कैलोरीज को बर्न करती थी. इट्स नॉट अ जोक गाइस, बिकॉज बहुत ही आपकी बॉडी शुरू में तो थकती है, पर जैसे ही आप 60-70 सूर्य नमस्कार पर आते हैं तो आपकी बॉडी की जो हीट है वो आपको पुश करती है कि आप और सूर्य नमस्कार कीजिए. आपकी स्पाइन और फ्लेक्सिबल होगी एंड आप और ज़्यादा अच्छा फील करेंगे. तो मैंने जब मैंने आपको बताया अपना स्टार्टिंग वेट किया था, इट वॉज 61.9 केजीज विच इज 62 केजीज. एंड जब मैंने अपना वेट 22nd डे पर चेक किया, सो माई वेट वॉज 58.5 केजीज. कैन यू बिलीव इट, 3.5 से 4 किलो मैंने 21 दिन के अंदर वेट लूज किया विद द हेल्प ऑफ सूर्य नमस्कार. सी माई बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर्स, दिस इज रियली अमेजिंग गाइस. ये जोक नहीं है, इसकी मदद से मेरा ओवरऑल अपीयरेंस बहुत ही अमेजिंग हुआ है और मैं खुद में ही बहुत अच्छे चेंजेस पा पा रही हूँ. ये तो था मेरा फर्स्ट वेट लॉस का बेनिफिट जो मुझे इससे हुआ. अगर आप भी वेट लूज करना चाहते हैं तो आप एज पर योर कैपेसिटी वेट को लूज कीजिए, सूर्य नमस्कार ऑप्ट कीजिए. सेकंड जो इसका बेनिफिट सबसे ज़्यादा,
आप बहुत ही ज़्यादा यूथफुल लगते हैं मुझे, तो बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलने लगते हैं कि आई हैव अ बेबी ऑल्सो 1 year 4 months और अब क्या मैं मदर हूँ, मैं नीचे जाती हूँ अपनी सोसाइटी में वॉक में, व्हेन दे गेट टू सी मी तो मुझे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं कि आप तो मदर लगते ही नहीं हो एंड यू लुक सो यंग सो वाइब्रेंट. सो इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ सूर्य नमस्कार बेनिफिट. Look at the glow on my face, my cheeks, my, you know, overall face is looking quite clean because the more you sweat, the more you glow. There is a favor. Miraculous benefits hain ki agar aapki skin bahut hi dull lagne lagi hai, uska glow khatam ho gaya, wrinkles aa rahe hain, to iski madad se aapke face ki vibrancy jo hai dobara se wapas aa jayegi, aapka face jo hai bahut hi young lagega, overall body bahut healthy lagegi aur agar aapki age badh bhi rahi hai to aap kafi young dikhenge. Third, इसने मेरे डाइजेशन को बहुत ही अच्छे से इम्प्रूव किया है. अगर किसी को भी पर्सनली जो है कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है तो प्लीज़ सूर्य नमस्कार को कीजिए, क्योंकि जो इस आसनों की मदद से जो एब्डोमिनल आपके मसल्स एब्डोमिनल पे आपके प्रेशर आता है उससे आपका स्टमक बहुत अच्छे से क्लियर होता है और आपका जितना भी बेली फैट की जो प्रॉब्लम है स्पेशली लेडीज़ को वो काफ़ी हद तक कम होनी शुरू हो जाती है. सूर्य नमस्कार की मदद से आप देख सकते हैं मेरे आर्म्स मेरी लेग्स कितने ज़्यादा टोन हो गई हैं, मेरी स्पाइन काफ़ी स्ट्रेंथन हो गई है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी आ गई है, मैं बहुत अच्छे अच्छे आसन कर पाती हूँ, मेरी एनर्जी डबल अप हो गई है, जो आसन मैं पहले नहीं कर पाती थी वो मैं अब प्रैक्टिस करती हूँ तो मैं ईजिली उनको ऑप्ट कर पा रही हूँ. तो ये है सूर्य नमस्कार के बेनिफिट. इसकी मदद से आपकी स्पाइन की सारी दिक्कत ठीक हो जाती है. अगर आपको अपर लोअर बैक थोरैक्स पेन कहीं भी पेन है तो प्लीज़ अगर आप इसको करेक्टली फॉलो करते हैं, सारे पॉस्चर्स को बहुत ही अच्छे से विद प्रॉपर इनहलेशन एंड एक्सलेशन करते हैं तो ट्रस्ट मी आपको स्पाइन में किसी भी तरह की दिक्कत है तो वो ठीक हो जाएगी, आपकी स्पाइन की मोबिलिटी बनेगी, स्पाइन इलोंगेट होगी एंड आप और ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनेंगे. इट हेल्प्स यू टू डीटॉक्सीफाई एज वेल. अब वो कैसे, क्योंकि हमारा इनहलेशन एक्सहलेशन इतने अच्छे से होता है कि हमारे लंग्स जो है वो कम्प्लीटली वेंटिलेटेड रहते हैं और आर ब्लड रिमेन्स ऑक्सीजनेटेड. हमारी बॉडी में जितनी टॉक्सिक गैसेज हैं वो कम्प्लीटली फ्लश ऑफ हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी चली जाती है और आपको ऑक्सीजन ज़्यादा मिलता है. आई जस्ट कम्प्लीटेड 100 सूर्य नमस्कार. वाओ, द फीलिंग इज ऑसम. लुक एट द स्वेट, I'm burning right now. Whew! Lot of energy has been activated inside me. It's so amazing, guys. Just try it out. Now, I could talk about who should not offer Surya Namaskar. Pregnant women, after their first trimester, they should not go for Surya Namaskar. But still, I would suggest that please do consult with a doctor before opting it. Secondly, जितनी भी फीमेल्स हैं ड्यूरिंग देयर मेंस्ट्रुएशन साइकिल पीरियड प्लीज़ डू नॉट गो फॉर दैट, इट इज़ नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि इसमें फॉरवर्ड बेंडिंग बहुत ज़्यादा होती है तो वो मना किया जाता है ड्यूरिंग योर पीरियड्स कि आप इसको ऑप्ट मत कीजिए. थर्डली, अगर किसी को हर्निया की शिकायत है तो प्लीज़ आप भी इसको ऑप्ट मत कीजिए. फोर्थली, अगर किसी की स्पाइन की सर्जरी हुई है या स्पाइन में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है तो प्लीज़ उनको भी अपने डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना इसको स्टार्ट नहीं करना चाहिए. सो दीज आर ऑल द डूज एंड डोंट्स और क्या मुझे इसके बेनिफिट्स हुए. अगर आपको भी ये वीडियो देखकर मोटिवेशन मिला है, इंस्पिरेशन मिली है कि आपको भी सूर्य नमस्कार करना चाहिए तो प्लीज़ सूर्य नमस्कार कीजिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है सूर्य नमस्कार का मतलब क्या है, सन सैल्यूटेशन इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग योर 3 doshas. आपका वात पित्त कफ तीनों दोषों को ये बैलेंस करता है. अगर आपके तीनों दोषा बैलेंस रहेंगे तो आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं और आप कंप्लीटली फिट एंड फाइन रहेंगे, आप कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे. तो मुझे भी बहुत ही क्यूरियोसिटी थी ये जानने की कि 21 दिन में मैं क्या क्या चेंजेस देखती हूँ. मैंने आपके साथ अपने सारे चेंजेस आपके साथ शेयर किए हैं, ओवरऑल अपीयरेंस मेरा चेंज हुआ है और चार्मिंग लगने लग गई हूँ, खुश रहने लग गई हूँ, सबसे बड़ी बात वेट भी अच्छा खासा लूज हो गया है. सो आई थिंक इट्स अ विन विन फॉर ऑल ऑफ अस. सो अगर आपको ये अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. इफ यू आर न्यू टू माई चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मी. मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे फिट एंड स्टे.